नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मौजीदा आप सभी का स्वागत करता हूं गुजराती चेस चैनल में, गुजराती चेस जोन। दोस्तों बात हो रही है सिगोरिन डिफेंस की, सीरीज ऑफ सिगोरिन डिफेंस। आज ये सेवंथ वीडियो है सीरीज ऑफ सिगोरिन डिफेंस का, तो सारे वीडियोज वन बाय वन आप देखेंगे तो सिगोरिन डिफेंस आपकी एकदम एक्यूरेट हो जाएगी। दोस्तों उसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज हम देखेंगे थर्ड मूव वाइट प्ले सी क्रॉस डी फाइव। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था डी फोर डी फाइव देन वाइट प्ले सी फोर और हमारा नाइट सी सिक्स, इतने मूव सिगोरिन डिफेंस के हैं। उसके बाद हमने देखा था नाइट एफ थ्री के सामने हम बिशप जी फोर खेलते हैं। ये ध्यान रखो थर्ड मूव में कैसे कैसे चेंजिंग होते हैं। व्हाइट खेलता है अगर नाइट सी थ्री तो उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। और आज हम देखेंगे व्हाइट अगर पॉन टेक्स पॉन, इमीडिएट आपका पॉन कैप्चर करता है सेंटर का तो क्या करना है। इसके बाद पॉन टेक्स पॉन में आपको सिंपल क्वीन टेक्स डी फाइव करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी फोर पॉन के ऊपर प्रेशर है क्वीन और नाइट दोनों का, तो उसे बचाने का एक ही दो बेस्ट मूव है, एक तो ई थ्री और दूसरा है नाइट एफ थ्री। दोनों वेरिएशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ई थ्री, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइट अगर खेलता है ई थ्री तो क्या करना है। सिगोरिन डिफेंस की मेन मूव याद रखो, जब भी व्हाइट ई थ्री करता है तो ब्लैक से आप ई फाइव ही करना है। मोस्टली ज़्यादातर वेरिएशन में ई थ्री अगेंस्ट ई फाइव ही मूव है, तो ई फाइव याद रखने में एकदम ईजी है कि जब भी व्हाइट ई थ्री करता है तो आपको सिंपल ई फाइव करके रिप्लाई देना है। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, आपके क्वीन के ऊपर अटैक। यहाँ पे ज़्यादातर हम क्वीन को डिफेंस करने के लिए मूव नहीं करते हैं, क्वीन बचाने के लिए हम बिशप से नाइट को पिन करते हैं। आफ्टर बीबी फोर वाइट का एक ही रिप्लाई ज्यादा होता है बिशप डी टू, अब वो हमारी क्वीन को टैक्स नाइट टेक्स क्वीन मार सकता है। यहां आपको बिशप टेक्स नाइट मार देना है और वाइट खेलेगा बी टेक्स सी थ्री। यहां एक बहुत ही बढ़िया मूव है नाइट एफ सी, नाइट एफ सिक्स के बाद व्हाइट खेलेगा सी फोर। सी फोर में सिंपल क्वीन डी सिक्स देन डी फाइव नाइट ई सेवन क्वीन बी वन, व्हाइट की अगली थ्रेट है बिशप बी फोर, तो क्वीन बी वन को रोकने के लिए बिशप बी फोर से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहां सिंपल शॉर्ट कैसल कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि व्हाइट के किंग साइड के तीनों पीसेस अभी तक घर में है और ब्लैक के कैसल भी हो चुका है, क्वीन किंग साइड के पीसेस डेवलप भी हो चुके हैं, तो ब्लैक का अपर हैंड रहेगा इस गेम में। आफ्टर कैसल व्हाइट खेलेगा नाइट ई टू, यहां पे बिशप एफ फाइव, क्वीन के ऊपर अटैक, क्वीन बी टू, ये बेस्ट रिप्लाई होता है व्हाइट की ओर से। यहां आपको खेलना है नाइट ई फोर, बिशप को थ्रेट में लेना है। आफ्टर बिशप बी फोर यहां आपको खेलना है क्वीन बी सिक्स, बिशप को ही पिन कर दो। नाइट जी थ्री और यहां सी फाइव, व्हाइट खेलेगा बिशप सी थ्री। ध्यान रखना यहां पे आपको नाइट क्रॉस बिशप लेना ना कि क्वीन टेक्स क्वीन। नाइट क्रॉस बिशप के बाद क्वीन क्रॉस सी थ्री करेगा और ये पोजीशन काफी बेटर है ब्लैक के लिए, खेलने के लिए काफी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पीसेस सपोर्टेड भी है और सेंटर ब्लॉक भी हो चुका है। तो इस पोजीशन से आप बहुत सारे गेम्स खेल के देख लीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। दूसरा वेरिएशन आपको बताता हूं, यहां दूसरा वेरिएशन देखते हैं डी फोर डी फाइव, व्हाइट खेलेगा सी फोर, नाइट सी सिक्स, पॉन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स पॉन, ई थ्री ई फाइव, नाइट सी थ्री, बिशप बी फोर, बिशप
डी टू देन बिशप टेक सी थ्री। यहाँ पे व्हाइट क्या चेंज कर सकता है? आप सोच सकते हो कि बिशप टेक्स बिशप भी पॉसिबल है, पर बिशप टेक बिशप में ब्लैक का अपर हैंड रहेगा क्योंकि एंड गेम में आइसोलेटेड पोन व्हाइट के पास रहता है। तो आफ्टर बिशप टेक सी थ्री यहाँ पे आपको करना है ई क्रॉस डी फोर। दोस्तों यहाँ पे बिशप टेक्स डी फोर में सिंपल एक्सचेंज होने के बाद पॉन आइसोलेटेड होता है। बहुत ही जबरदस्त अटैकिंग लाइन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे बिशप टेक्स सी थ्री में। ध्यान रखो व्हाइट यहाँ पे ज्यादातर नाइट ई टू करता है, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर भी ये लाइन खेल चुके हैं। तो नाइट ई टू में यहाँ आपको करना है नाइट एफ सिक्स। आप पॉन नहीं पॉन टेक्स बिशप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी क्वीन हैंगिंग है। नाइट एफ सिक्स के बाद जब व्हाइट नाइट टेक्स डी फोर करता है यहाँ आपको शॉर्ट कैसल करना है और वर्ल्ड फेमस मूव है नाइट बी फोर। नाइट बी फाइव मैं आपको नेक्स्ट गेम में बताऊंगा, पहले हम देखते हैं कि बिशप ई टू अगर करता है व्हाइट तो क्या। बिशप ई टू में क्वीन टेक्स जी टू और बिशप एफ थ्री करके व्हाइट अटैक ले सकता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल क्वीन जी सिक्स आफ्टर नाइट टेक्स सी सिक्स बी टेक्स सी सिक्स और क्वीन डी फोर, ये एक सरप्राइज मूव व्हाइट की ओर से है। क्वीन डी फोर फॉलो बाय लॉन्ग कैसल, यहां क्वीन एफ फाइव आपको रिप्लाई देना है बिशप पे अटैक। क्वीन एफ फाइव के बाद व्हाइट अगर बिशप पे सी सिक्स करता है तो सिंपल आप रिप्लाई दोगे रुक बी एट से रुक जी वन और आपके किंग साइड अटैक का प्लानिंग आफ्टर क्वीन टेक्स एफ सिक्स। यू कैन नॉट टेक योर अपोनेंट्स क्वीन बिकॉज बिशप टेक्स क्वीन ऑलरेडी थ्रेटन। तो रुक जी वन में किंग एच एट सिंपल आपको मूव कर देना है। व्हाइट अगर लॉन्ग कैसल करता है यहाँ पे और आपके किंग साइड अटैक रुक बी सिक्स और आप भी काउंटर अटैक उसके किंग साइड कर सकते हैं। दोस्तों एक इसमें एक यही पोजीशन से एक गेम हुई थी जो 2001 में जर्मन टीम चैंपियनशिप में खेली गई है, जहां पे ब्लैक ने रुक बी सिक्स के रिप्लाई में व्हाइट ने रिप्लाई दिया था क्वीन डी एट बैकरैंक मेट की थ्रेट और यहां ब्लैक रिप्लाई दिया था क्वीन सी फाइव और बिशप को पिन किया। व्हाइट रुक जी फाइव रुक डबल की थ्रेट है और ये गेम आगे चल के ब्लैक लॉस हुआ था। तो एक रिप्लाई जो ब्लैक का था क्वीन सी फाइव ये गलत रिप्लाई था। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट जो है वेरिएशन अब हम देखेंगे नाइट बी फाइव वाला वेरिएशन, वो बहुत ही फेमस है दोस्तों। डी फोर डी फाइव सी फोर एंड सी सिक्स पॉन टेक्स पॉन आफ्टर क्वीन टेक्स पॉन ई थ्री ई फाइव नाइट सी थ्री बिशप बी फोर बिशप डी टू बिशप टेक्स डी टू बिशप टेक्स सी थ्री पॉन टेक्स पॉन देन नाइट ई टू और यहाँ पे नाइट एफ सिक्स नाइट टेक्स डी फोर ब्लैक कैसल और नाइट बी फाइव। ये वेरिएशन काफ़ी डेंजर है, अगर आप समझ के नहीं खेलोगे तो ब्लैक की लॉस भी हो सकती है क्योंकि नाइट सी सेवन फोर्क में पड़ा है और क्वीन टेक्स क्वीन ये ज़्यादा अच्छी मूव नहीं है, इसमें कई लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वाइट ब्लैक से काफ़ी अच्छा अटैक भी मिलता है और कैसे मिलता है वो मैं बताऊँगा। आफ्टर नाइट बी फाइव यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन जी फाइव, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। व्हाइट खेलेगा एच फोर
क्वीन एच सिक्स, आपको ई थ्री पे प्रेशर बनाए रखना है। व्हाइट क्वीन एफ थ्री, यहाँ पे नाइट इंटू सी सेवन भी पॉसिबल है, लेकिन नाइट क्रॉस सी सेवन में क्या हो रहा है, बिशप जी फोर, यहाँ पे एफ थ्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन टेक्स ई थ्री की थ्रेट है, इसीलिए क्वीन डायगोनल में रखा है क्वीन एच सिक्स। तो बिशप जी फोर के बाद व्हाइट रिप्लाई देता है क्यू बी थ्री, आर ए डी एट, क्वीन टेक्स बी सेवन, नाइट ई फोर, आपके डायरेक्टली क्वीन से नाइट को सपोर्ट मिल गया। बिशप बी फाइव, वाइट डेवलप भी करेगा अटैक भी करेगा, और यहां पे सिंपल बिशप डी सेवन सपोर्ट करना है, नाइट डी फाइव, और यहां पे नाइट डी सिक्स, फॉर्क आफ्टर क्वीन ए सिक्स, नाइट बी एट, नाइट एफ सिक्स चेक, जी टेक्स एफ सिक्स, क्वीन टेक्स डी सिक्स, ये एक टैक्टिकल मूव है व्हाइट की ओर से, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। बिशप टेक्स बी फाइव, क्वीन टेक्स एफ सिक्स, क्वीन एफ सिक्स, बिशप एफ सिक्स, और रुक डी सेवन। व्हाइट के पास बेटर पोजीशन भी है और मटेरियल भी अप। तो दोस्तों ये गेम काफी ब्लैक के फेवर में है। तो ये सी इंटू डी फाइव अर्ली अटैकिंग मूव है व्हाइट की ओर से, जिसके सामने आप इस प्रकार खेल सकते हो। दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं ये भी आपको बता दूं। डी फोर, डी फाइव, सी फोर, एन सी सिक्स, पॉन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स पॉन, देन नाइट एफ थ्री इंस्टेड ऑफ ई थ्री। तो इसके बारे में देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।